क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपको बेवजह कंफ्यूज कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी का अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। कह रहा है इन अ गेम द एंट्री फीस इज ₹5। किसी गेम में अंदर एंट्री करने की या टिकट लेने की जो कॉस्ट है वो कितनी? ₹5। जिसका इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे पढ़िए, द गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग अ कॉइन 3 times। गेम में क्या किया जाता है, 3 coins को, सॉरी, 1 coin को 3 times टॉस किया जाता है। तो हमने कई बार करा हुआ है कि 3 coins लेके साइमल्टेनियसली टॉस करें या एक ही कॉइन को 3 times टॉस करें, उसके आउटकम्स क्या आते हैं, सेम। कैसे निकालते हैं टोटल आउटकम्स, 2 की पावर 3 = 8। ओके, 2 का मतलब हेड और टेल आएगा और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने, 3 times टॉस कर रहा है तो 2 की पावर 3 = 8। 8 का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा बताइए, हेड 8 का हाफ 4 है ना, तो 4 times हेड लिखेंगे, 4 times टेल लिखेंगे। इसी तरीके से 4 का हाफ करेंगे तो 2 times हेड लिखेंगे और 2 times टेल लिखेंगे, ठीक है। और फिर 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, 1 time हेड 1 time टेल, 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 ठीक। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8, ये हमको पता है भाई। 3 times उसने टॉस किया होगा, या तो फर्स्ट टाइम भी हेड आया होगा, सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी, या तो फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल, इस तरीके से हुआ होगा, या तो फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड, फिर थर्ड टाइम टेल, ये 8 possibilities हैं टोटल, ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, कह रहा है इफ 1 or 2 हेड शो, ध्यान देना जरा, इफ 1 or 2 हेड शो, अगर 1 head आ जाए या 2 head आ जाए तो श्वेता गेट्स हर एंट्री फीस बैक, ठीक है। तो उस टाइम श्वेता को उसकी एंट्री फीस वापस मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, थर्ड वाला पहले हम कर रहे हैं, जस्ट गेट हर एंट्री फीस, पढ़ो जरा, फॉर टॉसिंग अ कॉइन 3 times फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स जस्ट हर एंट्री फीस, बताओ उसकी एंट्री फीस कब वापस मिल जाती है। पढ़िए जरा क्वेश्चन, इफ 1 or 2 हेड शो श्वेता गेट्स हर एंट्री फी बैक, अगर 1 head आ जाए या 2 head आ जाए तो श्वेता को उसकी एंट्री फीस वापस मिल जाती है, समझ में आ गई बात। तो श्वेता को एंट्री फीस वापस मिले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जब 1 head आया हो या तो 2 head आया हो। तो चेक करो कि ये नहीं चलेगा, यहाँ तो 3 head आए, ठीक है। देखो यहाँ 2 head आए, ये वाला फेवरेबल आउटकम है, यहाँ पे भी 2 head आए, ये वाला फेवरेबल आउटकम है, 1 head आया ये वाला फेवरेबल आउटकम है, 2 head आए ये वाला फेवरेबल आउटकम है, 1 head आया ये वाला फेवरेबल आउटकम है, 1 head आया ये वाला फेवरेबल आउटकम है। कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए कितने फेवरेबल आउटकम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल आउटकम कितने, 8, तो 6/8 यानी कि 2, 3 = 2, 4 था, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 3/4। कोई डाउट है, ये थर्ड पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया भाई, उसकी फीस प्रोबेबिलिटी दैट जस्ट शी गेट हर एंट्री फीस, वो उसकी एंट्री फीस उसको जस्ट कब मिलेगी बताओ, जब 1 head आ जाए या तो 2 head आ जाए, इसमें कोई डाउट है बताओ। हाँ, ये थर्ड पार्ट हमने पहले सॉल्व कर दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए जरा, देखिए कह रहा है कि इफ शी थ्रो 3 heads, इफ शी थ्रो 3 heads मतलब वो सिक्के को 3 बार उछालती है और 3 बार क्या है आ जाता है, हेड, इसका ये मतलब है। इफ शी थ्रोस 3 heads का मतलब है 3 बार सिक्के को उसने टॉस किया और 3 बार क्या आ गया, हेड। तो शी रिसीव डबल द एंट्री फीस, शी रिसीव डबल द एंट्री फीस, तो यहां मुझे देख के बताओ कि डबल द एंट्री फीस का फेवरेबल आउटकम क्या है, पहला वाला जब 3 times क्या आ जाए, हेड, बस इसके अलावा तो कभी भी 3 times हेड नहीं आया, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो जरा, क्या होता है इस टाइम, इसको डबल द एंट्री फीस मतलब 5 रुपए के 10 रुपए मिल जाते हैं, इसको एंट्री फीस का डबल मिल जाता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जो पार्ट 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स द डबल द, शी गेट्स डबल द एंट्री फीस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबल द एंट्री फीस इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम कितना है, 1/8। कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है इसमें। अब आगे पढ़िए, कह रहा अदरवाइज शी विल लूज या शी विल लॉस, वरना वो गेम क्या करती है, लॉस कर जाती है, लॉस करने का मतलब उसको 1 भी रुपये वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, देखो अगर 3 head आ जाएगा तब भी लॉस नहीं करेगी, सही, क्योंकि डबल द एंट्री फीस मिल जाता है उसको, और 1 head आ जाए या 2 head आ जाए तब भी लॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, इसमें भी लॉस नहीं करेगी, 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 इसमें भी नहीं करेगी, इसमें भी, अगर केवल ये वाला आउटकम आ जाए यानी कि 3 times क्या आ जाए, टेल आ जाए, तभी वो गेम को लॉस करेगी। कोई डाउट है बताओ, हाँ कोई डाउट है भाई, आप खुद सोचो ना, इन तीनों को, सॉरी ये वाले आउटकम को छोड़ के, इसमें तो 3 टेल आ जाता है, इस आउटकम को छोड़ के कोई भी आउटकम आ जाए इसमें, जैसे मान लो ये वाला आउटकम आ गया,
तो इसमें एक हेड है, उसको जस्ट उसका टिकट वाला पैसा जस्ट वापस मिल जाएगा। अगर दो हेड आ गए तब भी जस्ट टिकट वाला पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जब एक हेड आता है या दो हेड आते हैं तो उसका मनी बैक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर तीनों हेड आ जाते हैं तब भी वो लॉस नहीं करता, तब तो डबल मिल जाता है। तो इन सब आउटकम्स को छोड़ के बचाइए, अगर ट्रिपल टाइम्स उसका टेल आ जाए तो वो गेम हार जाएगी। हार जाएगी का मतलब है उसका जो 5 रुपीज वापस नहीं मिलेगा। तो पार्ट वन जो इन्होंने पूछा है, फाइंड द पार्टी दैट शी लूजेस द एंट्री फीस, तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना है बताइए, केवल वन। जब क्या आ जाए, तीन टेल आ जाए, तो 1/8 इज द आंसर ऑफ पार्ट वन। कोई डाउट है बताइए, कर लो।